हाय एवरीवन, नमस्ते। आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम की रेसिपी। इस आइसक्रीम को बनाने के लिए ना ही हम कोई फूड कलर यूज़ करेंगे और ना ही हम किसी एसेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो 100% नेचुरल टेस्ट वाली ये स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम की रेसिपी शुरू करते हैं। आइसक्रीम बनाने के लिए जो स्ट्रॉबेरीज मैं यूज़ कर रही हूँ, उसे सबसे पहले मैं क्लीन कर लूँगी, वॉश कर लूँगी और उसके बाद मैं इसे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी। यहाँ मैंने जो स्ट्रॉबेरीज यूज़ किए हैं वो बहुत ही अच्छे से पकी हुई हैं, जिसके वजह से इसमें एक नेचुरल कलर है, एक नेचुरल टेस्ट है। और यही रीज़न है कि हम यहाँ पर इस वीडियो में कोई भी फूड कलर या कोई भी फूड एसेंस यूज़ नहीं कर रहे हैं। कटी हुई स्ट्रॉबेरीज को यहाँ मैंने बोल में ले लिया है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस, शक्कर, सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे और इसे 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। दस मिनट ढकने के बाद जो हमारी स्ट्रॉबेरीज थी उन्हें हमने अच्छे से पीस लिया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो हमारा स्ट्रॉबेरी मिक्सचर जो है वो रेडी है। यहाँ पर मैंने एक ग्लास का बोल लिया है जिसमें मैं ऐड कर दूंगी क्रीम, वनीला एसेंस। इस क्रीम के मिक्सचर को हमें बीट करना है जब तक कि इसमें सॉफ्ट पीक्स ना आ जाए। यहाँ आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से सॉफ्ट पीक्स आ गए हैं इस क्रीम में। अब हम इसमें ऐड करेंगे कंडेंस्ड मिल्क। कंडेंस्ड मिल्क ऐड करने के बाद हम फिर से पूरे मिक्सचर को अच्छे से बीट कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो क्रीम है, कंडेंस्ड मिल्क है, वनीला एसेंस है, वो सब अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे स्ट्रॉबेरी प्यूरी जो हमने तैयार करके रखी थी और इसे भी मिक्सचर में ऐड करके मिला देंगे। तो यहाँ हमारा आइसक्रीम का बेस अच्छे से रेडी हो चुका है। इसे हम डाल देंगे एक बॉक्स में। यहाँ मैं कुछ स्ट्रॉबेरी के पीसेस ऊपर से डाल रही हूँ, आप चाहें तो इसे मिक्सर के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। ये हमारा आइसक्रीम एकदम रेडी हो चुका है और अब हम इसे सेट करेंगे 8 से 10 घंटे के लिए फ्रीजर में। तो यहाँ आप देख सकते हैं 8 से 10 घंटे के बाद हमारा जो आइसक्रीम है वो बहुत अच्छे से सेट हो गया है। इसका टेक्स्चर बहुत ही क्रीमी है, इसका कलर बहुत ही नेचुरल है जो एकदम स्ट्रॉबेरीज का कलर होता है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूँगी अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। बाय।